गोसावी साहब सालों के साथ हम लोग आए आपसे पहले इतफाक से आए थे हम लोग वो नाले के पास से निकले उधर का चौकअप दूर कर रहे थे क्या देख रही है ये इसका थिकनेस देखिए ये 2 फीट होना चाहिए एटलीस्ट का कम से कम चार पार नहीं गले ना गोसावी अरे बाबा सगळे आणि त्याच्यावर कॉम्प्लेन बदल तिथं झालंय का तिथं हे तसं करायला पाहिजे होते हे मी वरवी साहेबांना वर्ष 1.5 वर्षापासून सांगतोय आणि 6 गाड्या तिथे मध्ये मी केले साहेब आता हे बघा पन्नास टनाचा लोड जातोय 2 वर्षात काय 10 वर्षात किती काय व्हायला पाहिजे सर कल देर रात जो है मुमरा बाईपास पर फिर एक बार सड़क पर गड्ढा गिर गया नीचे ब्रिज से आरपार दिख रहा है काफी आपने प्रयासों से इसके मरम्मत का काम करवाया था लगभग 19 करोड़ का फंड आपने दिलाया था शासन के निधि का एक तरह से अपव्यय दिख रहा है सर यहाँ पर लगातार हर वर्ष यहाँ गड्ढे गिरते हैं और पीडब्ल्यूडी जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं निभाती है क्या निर्णय लेना चाहेंगे सर एक मंत्री होने के नाते आप इसकी तुरंत इंक्वायरी करनी चाहिए और इसके ऊपर जिन ऑफिसरों ने काम पे ध्यान देने का उनका जिनका काम था उनको तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए क्योंकि काम एकदम थर्ड ग्रेड हुआ जी बिल्कुल दुरुस्त कहा सर ऐसा पैसा लाने का काम हमारा है जी जी हमारा वही कहना है सर लेकिन वो काम कैसा होता है वो देखने की जिम्मेदारी अधिकारियों की डिपार्टमेंट की है सर आपने अभी यहाँ पर जो है पीडब्ल्यूडी विभाग के वरिष्ठ स्तर पर हाईएस्ट लेवल तक आपने बातचीत की है वीडियो कॉल पे आपने यहाँ पर जो है घटनास्थल उनको दिखाया है पूरी स्थिति दिखाई है क्या आगे के दिशा निर्देश है आपके उनको सर और किस तरीके से काम जल्द से जल्द हो सकता है सर 12 बजे मैंने सबको बुलाया है जगह पे आके वो उसका जायजा लेंगे मुझे लगता है कि ये रोड बंद कर देना चाहिए और फिर से एक बार नया रोड करना चाहिए और ये जो पतरा है वो जो नीचे तो मैंने देख बार बार बोल रहा हूँ वो रबर कोटिंग कह रहे हैं उसे वो जो भी क्या उनको कह रहे हैं छुपाने के लिए मालूम नहीं मालूम नहीं लेकिन आई बीम के सिवाय ये रुक ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ से आपको मालूम है 100 ट्रक तो जाती आती रहती है जी, 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 तो यानी 100 ट्रक यानी
10 टन की अगर एक ट्रक देखे तो 1000 टन का माल जाता है जी। तो 1000 टन का स्ट्रेस लेने के लिए किसी पट्टी कहाँ आई? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। आपने इंक्वायरी होनी चाहिए, कही ये बात, मैं उसको दोहराऊंगा। मुमरा कौसा और यहाँ से गुजरने वाले तमाम राज्य के जो जितने भी ट्रक चालक हैं उनकी तरफ से ये हमारी आपसे विनती रहेगी, अनुरोध रहेगा सर, ये इंक्वायरी होनी ही चाहिए क्योंकि इस काम में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। निकृष्ट दर्जे की एकदम सामग्री इसमें इस्तेमाल की गई है सर। आपने बोलने से पहले इनकी उनकी बातें सुन के नहीं, मैं जब आया तभी बोला कि पहले इसकी जाँच होनी। ओके सर। सर लाल किले के पास भी नाले का जो है गिरा। हो दे।